हिचकी मूवी रिव्यू। हिचकी में रानी मुखर्जी ने दिली। रानी मुखर्जी ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। रानी मुखर्जी को आखिरी बार 2014 में मर्दानी में एक दबंग पुलिस अफसर के किरदार में देखा गया था, जिसे खूब पसंद भी किया गया। फिल्म पूरी तरह से महिला पुलिस अफसर के संघर्ष की कहानी थी। अब रानी मुखर्जी हिचकी के साथ भी संजीदा विषय लेकर आई हैं और इस बार भी केंद्र में एक संघर्षरत महिला है, जिसे अपने शरीर की एक कमी से तो जूझना ही है, साथ ही इस कमी की वजह से समाज की ज्यादतियों को भी सहना है। रानी ने दिखा दिया है कि एक प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट के बावजूद वे कैरेक्टर में जान डालने की कुव्वत रखती हैं। रानी मुखर्जी की एक्टिंग दिल को छू लेती है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। भगत सिंह, ऐसे ही 10 कॉट्स हिचकी की कहानी। टॉरेट सिंड्रोम की शिकार टीचर नैना माथुर की है, जो इस बीमारी की वजह से सही से बोल नहीं पाती है और अजीब आवाज की चक्की निकालती है। फैशन में यकीन करने वाले इस समाज में नैना के लिए कोई जगह नहीं है, उसे अपने लिए जगह बनाने के लिए संघर्ष करना है। लोगों को लगता है कि नैना की यह दिक्कत अध्यापन की राह का रोड़ा बनेगी, लेकिन नैना हार नहीं मानती और लंबे संघर्ष के बाद उसे एक स्कूल में नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं होती। नैना को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की क्लास को पढ़ाना होता है और ये बच्चे कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। बस फिर यहीं से शुरू होता है एक नया संघर्ष। एक अलग ढंग की टीचर जो छात्रों को पढ़ाने के लिए रिश्वत देने से भी नहीं चूकती। रानी मुखर्जी और उनके स्टूडेंट्स भरपूर मजा दिलाते हैं, लेकिन कहानी में सब कुछ बहुत ही स्वाभाविक है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा नाटकीयता की स्थिति बन जाती है। हिचकी में रानी मुखर्जी टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित। जाने क्या है इस बीमारी का कारण, लक्षण और इलाज। रानी मुखर्जी ने कमाल की एक्टिंग की है। रानी ने मुखर्जी ने दिखा दिया है कि उनमें सिनेमा को देने के लिए बहुत कुछ बचा है। वैसे भी उनका फोकस अब कंटेंट बेस्ड फिल्मों पर ज्यादा है, ऐसे में हिचकी उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। फिर इस तरह की टीचर का किरदार रानी से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। वैसे भी यह उनकी कमबैक फिल्म है। सिर्फ अगर कहानी में थोड़ा अप्रत्याशित बनाया जाता तो मजा आ जाता। अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का नाम है रानी मुखर्जी की। हिचकी आपा सुनील शेट्टी के साथ बेटी अथिया ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। हिचकी का बजट लगभग 20 करोड़ बताया जाता है, लेकिन फिल्म थोड़ा लीक से हटकर है और मैसेज भरा एंटरटेनमेंट देती है। ऐसे में दर्शकों को खींचने का काम वर्ड ऑफ माउथ ही करेगा, क्योंकि रानी मुखर्जी लंबे अरसे बाद बड़े पर्दे पर लौट रही है। फिल्म में वही एक स्टार हैं। फिल्म का संगीत भी औसत है, लेकिन रानी का चुलबुलापन और एक्टिंग काबिल-ए-तारीफ है। देखना यह है कि रानी का जादू दोबारा कितना चल पाता है। मंडी से मुंबई तक का क्वीन ने यूं तय किया सफर। तनु की जिंदगी से जुड़ी 10 खास बातें। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी शर्मा। कलाकार रानी मुखर्जी। रेटिंग 3 स्टार। और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों खबरें। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल+ पर ज्वाइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।